दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ओडीआई मैच खेला जा रहा है। यहाँ पर इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले बल्लेबाजी करी। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से आज के मैच में स्टीवन स्मिथ शानदार लय नजर आए। अभी तक स्टीवन स्मिथ दोस्तों अभी 80 गेंदों पर 90 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। वहीं दोस्तों इनका साथ देते नजर आ रहे हैं मिचेल मार्श भी 40 गेंदों पर 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। वहीं यहाँ पर दोस्तों स्टीवन स्मिथ अपने शतक से काफ़ी करीब है। यहाँ पर बात कर लेते हैं वॉर्नर और एरन फिंच ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को शानदार शुरुआत नहीं दे पाए। उसके बाद स्टीवन स्मिथ है, स्मिथ ने एक छोर से पलड़ा संभाला और बेहतरीन शानदार शॉट्स खेलकर पहले 70 गेंदों पर अपने 8 शतक पूरा किया। इसके बाद स्टीवन स्मिथ ने ताबड़तोड़ पारी स्टार्ट कर दी, अभी वो अपने शतक के काफ़ी करीब है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मानस लाबुशेन ने भी बेहतरीन शानदार पारी खेली और अपनी टीम के लिए आज के मैच में एक 8 शतक जड़ा। वहीं दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की तरफ से आज के नए कप्तान थे मोइन अली। वहीं यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं आज के टीम में ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर धाकड़ ओपनर वॉर्नर और फिंच दोनों का बल्ला ही यहाँ पर शांत रहा। यहाँ पर वॉर्नर और फिंच दोनों ने 50 रन की पार्टनरशिप भी नहीं कर पाए और यहाँ पर आदिल रशीद ने बेहद शानदार गेंदबाजी कर वॉर्नर और फिंच दोनों ही शानदार बल्लेबाजों को चलता गया। आदिल रशीद ने अभी तक मैच में कुल 3 विकेट चटका लिए हैं। डेविड वॉर्नर 19 गेंदों पर 16 रन बनाकर मोइन अली की गेंद का शिकार हो गए और डेविड वॉर्नर 16 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे स्टीवन स्मिथ ने पारी को संभाला। इन्होंने 94 रन की बेहद शानदार यहां पर पारी खेली। इसके बाद इनकी शतकीय पारी को यहां पर ब्रेक दिया आदिल रशीद ने शानदार इनका विकेट लिया। स्टीवन स्मिथ ने आज के मैच में बेहतरीन शानदार शॉट्स लगाए, बेहतरीन शानदार पारी खेली। मोइन अली को अभी तक 1 विकेट मिला है जो आज के मैच के नए कप्तान है। वहीं यहाँ पर स्टीवन स्मिथ ने 94 रन बनाए। वहीं आदिल रशीद ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट चटका इंग्लैंड की टीम की तरफ से। वहीं यहाँ पर मानस लाबुशेन ने भी एक शानदार 8 शतक जड़ा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी 280 रनों के पार पहुँच गई है। आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए दोस्तों।